कुछ रीत जगत की ऐसी है। बहना, हो गया जो होना था, अब इतना क्यों सोच रही है? खून के अंदर कूदने के लिए जितनी हिम्मत लगती है, उससे ज्यादा हिम्मत कुएं के बाहर जीने के लिए लगती है। डूब जाना बहुत आसान है, तैरते रहना थका देता है। थक गई होगी बेचारी हाथ पैर मारते मारते, इसीलिए तो ये सालों से मैं ये सोचता आया था कि माँ कुएं में फिसल के गिर गई, लेकिन सलाह अब समझ में आया कि इसी रीत का शिकार बनी वो। लेकिन अब मैं किसी और को इस रीत का शिकार नहीं बनने दूंगी। हाँ मेरी माँ, मत बनने देना, बस अब घर चले वरना मामा का बीपी हाई हो जाएगा। मामी कुछ और बोली थी क्या? मामी, उनकी तो शाम से ही बकबक चालू है। वो कड़वा बोलती जरूर है, पर कड़वी है नहीं। हम लोगों की वजह से कभी कोई गलती हो जाए तो उनकी परवरिश पर सवाल ना उठे, इसी बात का डर है उन्हें, इसीलिए बात बात पर टोकती है। मेरी बहना, मामी तुझे लेकर नहीं, चाबी को लेकर बड़बड़ कर रही है। याद है वो चाबी जो हमने छिपाई थी? ए नंदिनी, गले में कम से कम एक सोने की चेन तो डाल ले, तुझे देखकर हमारी कीमत करेंगे वो लोग। उभी रहे, देती हूं मैं। मामा, कहने तो मैंने बेच दी है, मामी तिजोरी खुलेगी तो हमारी पोल खुल जाएगी। बेटा नहीं खुलेगी, चाबी मेरे पास है। रेन भाई, आप पीशा का रिश्ता मत ठुकराइए, वो तो अच्छी लड़की है, हैं? और उसने जो चाहिए ना वो भाई पानी लाना, हाँ उसने उसके माँ बाप ने आपको जो चाहिए ना वो सब देने को तैयार है। आप एक काम कीजिए, हिमराज भाई को फोन कीजिए और बात आगे बढ़ाइए, हैं? आपको चाहिए तो मैं बात करता हूँ उनसे। मेरी बात हो गई है घर पे मेहुल भाई, और मैंने घर वालों को कह दिया है कि मुझे विशाखा पसंद नहीं। नरेंद्र भाई, आपको तो विशाखा पसंद थी ने, है? आप क्या, क्या क्या हुआ है? लड़की अच्छी है, है? घरेलू है, संस्कारी है, कंप्लीट, और दांत के पीछे से जीभ बाहर नहीं निकलती है, मेरी गारंटी। अब आप कह रहे हैं तो बिल्कुल होगी, लेकिन क्या है ना मेहुल भाई, मुझे ना, मुझे कोई और पसंद है। कोई और? तो आप विशाखा को देखने आए क्यों? देखने आया तभी तो वो लड़की पसंद आई मुझे मेहुल भाई, जिसके दांत के पीछे से ना सुबान कैची की तरह चलती है। आपके उपलेटा की बेटी नंदिनी। ये कौन? अरे पानी नहीं चाहिए भाई, पानी। हाँ जाओ जाओ। नहीं भाई, अभी बोलन जाओ। सॉरी सर। रेन भाई, ये मजाक गले नहीं उतर रहा है, राखी बांधती है मुझे।
मेरी सगी बहन से बढ़कर है। हाँ मानता हूँ उसने ना कहने वाली बात आपसे कह दी है, उससे गलती हो गई, उसका मतलब ये हो बदला लोगे तुम उससे? अजीब बात है, इतनी ऑनेस्टी के साथ अभी मैंने आपको बताया कि मुझे नंदिनी पसंद, तो इसमें ये मजाक ये बदला लेने वाली बात कहां से आ गई नरेंद्र भाई? नरेंद्र भाई इतने रिश्ते आपको आए नहीं है ने, उससे 10 गुना मैं करवा चुका हूं, इसलिए माणा की परख मुझे है कंप्लेंट। आपको नंदिनी ने जेम तेम बोला, फिर भी आपको नंदिनी पसंद आए, और ये बात मैं मान लू इतना बेवकूफ नहीं हूं, आपको विशाखा से शादी नहीं करनी है ना, कोई बात नहीं, पर नंदिनी की जिंदगी बर्बाद होने नहीं दूंगा मैं, भले बिन माँ बाप की बच्ची हो पर उपलेटा की दिख रही है, ये याद रखना। दीदी हमसे तो हो ही नहीं रहा है, आप ही फिर से ट्राई करिए। दे मुझे ये लीजिए, चलो ए चलो चलो चक डोट मार। नहीं नहीं दीदी वो बहुत बड़ा है, मैं नहीं जाऊंगा, बहुत डर लगता है, और ये जब नीचे आता है ना तब पेट में कुछ अजीब सा होता है। अरे उसी का तो मजा, चलो नहीं 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 आप जाओ, हम लोग यहाँ पे जंप करेंगे, बहुत मजा आएगा। बने डर को अच्छा ठीक है, लेकिन दोनों मुझे यही मिलना। ठीक है आप जाओ और हम लोग यहाँ पे जंप करेंगे। बाय बाय। ये एक टिकट। डार्क गेम में दिख रहा था, यहाँ तक तो ठीक था, ये सेल्फी में कहाँ से आ गया? आप यहाँ? आपकी हिम्मत कैसे हुई? नीचे उतारो। मेरी बात तो सुनिए। मुझे आपकी कोई बात ही नहीं सुननी है। देखिए आप घबराइए मत, मैं कुछ नहीं करूँगा, मुझे सिर्फ आपसे बात करनी है। देखिए मैं आपको पसंद करता हूँ और आपसे शादी करना चाहता हूँ। एक मिनट देखिए आप शांति से मेरी बात। ये आदमी मुझे परेशान कर रहा है, मुझे नीचे उतारो। अरे मैं आपको परेशान कहाँ कर रहा हूँ? हाँ कर रहे हैं। चक्कर में चढ़ कैसे गए? टिकट देके। अच्छा 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 रुकिए। नीचे उतारो। हाँ रोक रहे रोक रहे। नीचे उतारना है। अरे रोक रहे एक मिनट। उतारो। नंदिनी मेरी बात तो सुनिए, देखिए आपको परेशान करने। अरे काका सामना छो, ये लड़का ना राजकोट से है और ये मुझे छेड़ रहा है, परेशान कर रहा है, देखो इसको। अरे ये आप क्या बोल रही है नंदिनी? अरे मैं कोई परेशान नहीं कर रहा हूँ भैया, मुझे बात छेड़ दा। अरे नहीं नहीं अरे रुकिए नंदिनी, अरे नहीं मैं किसी को मार मार दो, मार मार दो। अरे 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 क्या कर रहे हो आप? छोड़िए दीदी आप ठीक हो ना? वन टू चल आप ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, चलो चकडोर में आके मेरे साथ बैठ गया, हिम्मत तो देखो, तो पीछे ही पड़ गया मामा। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। हाँ हाय हाय, मतलब वो मेले तक तेरे पीछे आया? ये नरेंद्र तब से उपलेटा में कर क्या रहा है, मुझे ये सही नहीं लग रहा है। मणि मामी मेले में लोगों ने जो धोपता है ना उसे ए? वो तो सुमन और मोंटू मेरे साथ है, नहीं तो मैं भी उसे दो ढोल मारती। आने दो इस बार मेरे सामने, सो तो मैं ना बस बस चलो खाना तैयार है, आओ सब लोग। हाँ आई मम्मी। आओ थाड़ी काड़ू चु मामा।
कौन से हुए? मामा ये वही है, राजकोट वाला नरेंद्र रतन सिंह। क्या भाई क्या चल रहा है, घर तक पहुंच गया तू? बोरे नरेंद्र भाई, मैं नंदिनी का मामा, उसका गार्जियन। आप अच्छे और संस्कारी घर के लड़के हैं। ये जो पिछले कुछ दिनों से चल रहा है ये ठीक नहीं है, शोभा नहीं देता आपको, दोनों परिवारों का नाम बिगड़ रहा है। आपसे निवेदन, आप प्लीज यहां से चले जाइए। मामा आप क्यों हाथ जोड़ रहे हैं इसकी? तो मितेश मैं बात कर रहा हूं ना, कर रहा हूं ना मैं बात। मेले में मैंने आपकी भांजी से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन ये मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। क्यों सुनूं? क्यों सुनूं मैं आपकी बात? मेले में इतनी मार खाई आपने, उसके बाद भी इस हालत में यहां तक चले आए। अगर आप मेरी बात सुन लेती तो इस हालत में मुझे आपके घर आना नहीं पड़ता। मैं नंदिनी, देखिए मैंने मेहुल भाई को सब कुछ बताया था, अब मुझे ये नहीं पता कि मेहुल भाई ने आप लोगों को बताया। उन्होंने उसी की तो मौका है पूरी। आप मुझे बोलने देंगी प्लीज? दरअसल बात यह है कि मैं ना यहाँ शादी का प्रस्ताव लेके, शादी का प्रस्ताव विशाखा के लिए आया था, और वो आपको पसंद भी थी, ये बात शायद आप भूल रहे हैं, और उनका परिवार आपकी सारी शर्तें मानने को तैयार है। तो फिर दिक्कत क्या है, क्यों आप नंदिनी के पीछे पड़े हुए, क्यों उससे शादी करना चाहते हैं? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.